बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी न्यूज़ आ गई, खासकर उन मेरे भाइयों के लिए जो आज़ाद काम करते हैं सऊदी अरब में। आज़ाद से मुराद आप समझ गए हैं जी, बाहर अपना काम वगैरह या अपना ठेकेदारी का काम करते हैं, अपनी दिहाड़ी का काम करते हैं, किसी चीज़ में मुअल्लम हैं और अपने कफील के साथ उन लोगों ने कोई ना कोई किसी किस्म की बातचीत की होती है, डील की होती है, यानी कि मैं तेरे को मंथली या एक साल के इकामा लगवाने के इतने पैसे दूंगा, ये है वो है, या कफील भाई उनके साथ जो भी बातचीत कर लेते हैं। बहरहाल ये एक आप जो सऊदी अरब में मेरे भाई रहते हैं या रह कर जा चुके हैं वो इसके मुतालिक अच्छे से जानते हैं, तो वो तमाम बंदों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है जी। और उसके अलावा जो कंपनी वगैरह में या कफील के अंडर भी काम करते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, और जिन बंदों के लिए अच्छी खबर नहीं है वो भी आपको बताता हूं मैं। अच्छा, सबसे पहले तो जिन बंदों के लिए अच्छी खबर नहीं है उनको मैं यहीं पर क्लियर करता चलूं। उनमें भाई साय खास, हारस, आंबल, मंजली और ये जो खादमें होती हैं घर की, ये अफराद आएंगे, इनको ये सहूलत मुयस्सर नहीं होगी, ठीक है जी। और जो मेरे आज़ाद भाई काम करते हैं किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं या किसी कफील के अंडर, ये इस महीने से हटकर काम करते हैं, उन तमाम मेरे भाइयों को ये सहूलत मुयस्सर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुतालिक आपने पहले भी सुन रखा होगा कि आप अपनी मर्जी से भाई 3 माह का इकामा भी तजदीद कर सकते हैं, जिसके ऊपर अमल दरामद पहले शुरू नहीं किया गया था। जो मेरे भाई छुट्टी गए हुए थे उनको जब इकामे पहली दफ़ा ख़त्म हुए थे तो वो सोच रहे थे कि हम भाई पैसे देकर पीछे खुद से 3 माह का इकामा तजदीद करवा सकते हैं ताकि फ्लैट्स बहाल हो, हम वापस चले जाएँ। तो भाई उस टाइम भी ये कानून लागू नहीं था। अब बाद में शाह सलमान की तरफ से बढ़ाए तो जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम भी ये कानून नाफिज नहीं था, और अभी तक यानी कि 1-2 दिन पहले तक भी आप अपना इकामा 3 माह के लिए तजदीद नहीं कर सकते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप अपना इकामा खुद से 3 माह के लिए भी तजदीद कर सकेंगे। आप बाहर किसी कफील के अंदर काम कर रहे हैं, अपने कफील से बात करके भी मैंने घर चले जाना है खरूज एग्जिट के ऊपर यानी, या मेरे पास पैसे कम हैं तो मेरे से इतने पैसे ले ले, मेरा 3 माह का इकामा रिन्यू कर दे, 3 माह का बाद में कर लूंगा, ठीक है जी। अगर आप कंपनी से अक्सर जाना चाहते हैं या किसी कफील को बोलते हैं कि मैं खरूज जाना चाहता हूं तो मेरा 3 माह का ही तू इकामा लगवाना, पूरे 1 साल का मत लगवा ताकि ज्यादा पैसे ना लगें। तो जो आज़ाद भाई हैं वो फाइनल एग्जाम पर जाना चाहते हैं या छुट्टी के ऊपर 1-2 महीने जाना चाहते हैं या वैसे ही 3 माह का इकामा लगाना चाहते हैं यानी कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो इस सहूलत को ले सकते हैं, अपना इकामा 3 माह के लिए तजदीद कर सकते हैं, यानी कि 1 साल में आप अपना इकामा 3 से 4 बार तजदीद कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एक अच्छी सहूलत दे दी गई है और खासकर इस चीज का फायदा आजाद बंदों को और जो फाइनल एग्जिट के ऊपर जाने वाले हैं उन अफराद को बहुत होने वाला है।